हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम पर। दोस्तों जब भी बात करेंगे आज हम कि फिनो पेमेंट बैंक के मॉर्पोरेट के ऊपर की, बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो देखे कर रहे हैं। कुछ ऐसे पीसीज होते हैं जो नॉर्मली वर्क कर जाते हैं। अगर आपको शुरू सेटअप करना है तो ऊपर आई इन्फो मेरा वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ टैप करके आप चेक कर सकते हो कैसे किया सेटअप। लेकिन बहुत सारे कुछ इशू आए कि होस्ट में इशू आती है, अधिकतर लोगों को होस्ट सेटअप नहीं कर पाते। इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कैसे फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर होस्ट का इशू को हम दूर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए चैनल सब बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो को और ना लेट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है चेक इफ मॉर्पो सर्विस यूटिलिटी इज रनिंग। तो जो हम टेस्ट करते हैं, काम करने जाते हैं, तो हमें ये एरर स्पेशली मारता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप पहले तो वो वीडियो में देख लो जिसमें मैंने पुली सेटअप बताया है। यहाँ पे मैं बताऊंगा सिर्फ आपको होस्ट इशू जहाँ आता सब कुछ सही सही सेटअप कर रहे हैं, सिर्फ होस्ट इशू जहाँ आता है वो होस्ट इशू को हम फिक्स करेंगे। तो देखिए आपको अपना एक वेबसाइट, इसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, ये वाला मॉर्पो टेस्ट कैम बायो भी आप लिखोगे फिनो टेस्ट कैम बायो तो ये वेबसाइट खुल जाएगा, या फिर वहाँ पे टेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्पेशली ये फिनो का है जहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखते कैप्चर डिवाइस डिवाइस इनफो, यहाँ पे मॉर्पो होट रिसॉल्व इस पे टैप करने पे ही वो प्रॉब्लम आता है। मैंने ऐसा दो कस्टमर मिले जिनको इशू आई थी ये प्रकार थे। देखिए जैसे टैप करते थे तो दिस साइट कांट बी रीचेबल, वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे टैप करोगे उस पे ना तो आपका वहाँ पे प्रोसेस टू एक्सेस दिस पेज करके दिखाए, एरर तो मारेगा लेकिन प्रोसेस टू एक्सेस कर दिखाएगा वो दिखाया नहीं जाएगा, ये एरर मारता। तो उसे हम फिक्स किस प्रकार करेंगे आप ध्यान देना। जैसे कि ये मॉर्पो होस्ट जब टैप करेंगे तो यहाँ पे 104 फाउंड मारेगा एक एरर, प्लस यहाँ पे एक देखो दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ये एरर चलेगा बट ये एरर जो है दिस कांट बी रीचेबल, तो ये एरर करने पे आपको कभी काम नहीं करे। ये एरर तब आता है जब आप उसको आराम से प्रोसीड करते हो, तब जाके ये मारेगा आपका काम हो गया। तो इसे कैसे करना है ध्यान दे। सबसे पहले अगर आप पहले डाउनलोड कर लिए तो इस स्टेप को स्किप करें, यहाँ पे डाउनलोड मॉर्पो आरटी सेटअप है इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। तो हमने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर हमारा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। अगर विनरर आपके फाइल में नहीं है कंप्यूटर तो इसे विनरर ले ले, ऐसा बन जाएगा आपका एक बुक टाइप का बना हुआ और ये वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे फाइल हो गया। सबसे पहले इंस्टॉलेशन में प्रोसेस बता दूँ, आपका पीसी कौन सा बीट सपोर्ट है उसके लिए आप कंप्यूटर ओपन करेंगे। माई कंप्यूटर पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम देख लेंगे 64 बीट का या 32 बीट का, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ देखो हमारा 64 बीट है तो हम कर लेंगे इस प्रकार से। आपको मैं स्टूडेंट सिर्फ गाइड बता दूंगा, मॉर्पो स्टूडेंट जाएगा पहले ओल्ड जितने भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसा कि मैंने बोला पहले मेरा वो वीडियो देख लो जो मैंने बताया, इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा फिनो पे कैसे सेटअप करना है। सेटअप में जाना है मॉर्पो 64 बीट है या फिर 32 बीट है, 32 को 86 भी कहते हैं लोग, तो उसे इंस्टॉल यहाँ पे करना है। तो ये 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ओपन करेंगे और यहाँ जो सेटअप है इसे नहीं करना है, सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे इंस्टॉल करेंगे। फिर हो जाएंगे बैक एंड यहाँ पे जो है आपको ये सेटअप इसे भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल करेंगे। फिर एक बार हो सके तो इसको रैक बैट करके इसको भी रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, ठीक है। तीनों करने का हम लोग बैक, फिर एक बार बैक और यहाँ फिर ये वाली मॉर्पो आरटी इसे भी रन एडमिनिस्ट्रेटर करके हम तीनों को नॉर्मल इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करना देखेंगे कुछ देर रुक के मॉर्पो इंसर्ट करके, जब काम हो रहा से मॉर्पो निकाल देंगे, इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे हाँ क्या काम कर रहा है। मॉर्पो एक पॉप आएगा डिवाइस रेडी टू यूज़ या फिर टेलीमेंट्री चेक सक्सेसफुली आएगा, अनसक्सेस नहीं सक्सेसफुली। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा आपको रीडमी पर टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सी ड्राइव्स का ईटीसी को सबसे पहले आप वो मेरे वो वाली वीडियो देख लो कॉपी करना है। आपको भी एक जब फाइल खोलोगे अपना और यहाँ पे ऊपर में ये हेडिंग है यहाँ पे टैप करोगे और यहाँ पे करोगे कंट्रोल बी पेस्ट और मारोगे इंटर, यहाँ पे आपका होस्ट फाइल को जो डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे नोट पैड पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें, हम नोट पैड पर ओपन करेंगे, ओके करेंगे और नोट पैड देख चेक करेंगे यहाँ क्या फिनो लगा हुआ एक भी यहाँ पे दिख रहा है। ये फिनो डॉट इन कब दिखेगा, जब हम इसके होस्ट को इसे रन करेंगे। अगर हम दोबारा फिर से भी रन करेंगे तो एक और फिनो लग जाता है, हम एक ही बार रन करेंगे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से वापस आएंगे अपने उसी पोर्टल के ऊपर जहाँ पे हमने इसे टेस्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर ये देखो हमने जैसे डिवाइस लगाया तो हमारा टेलीमेंट्री फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुली हो रहा है, कोई दिक्कत ओके करेंगे, गेट डिवाइस डिटेल टाइप करेंगे तो हमारा डिवाइस शो कर जाएगा, क्या क्या मॉडल वगैरह आपको शो कर रहा है वो यहीं से दिख जाएगा। आपको अब मॉर्पो होट रिजॉल्व पर टैप करना, मेन इशू यहाँ से आता। अगर ये टैप करोगे ये नोट फाउंड मारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पेज को आपको वेट करके देखना है, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आता है या एरर आता है। एरर दिस पेज नॉट वर्किंग मतलब आपका जो है
जो टेस्ट पे जो काम कर गया तो ये एरर मारेगा, है ना, मतलब कि ये प्रोसेस एक्टिव करके। अगर काम नहीं किया है तो आपको इस प्रकार एरर मारेगा, जैसे हम लोग के साथ कुछ भाइयों लोगों ने शेयर किया था, दिस साइट कांट बी रीचेबल। अगर ऐसा एरर मारता है फिनो के ऊपर, फिनो बैंक डॉट इन के ऊपर, और यहाँ ये सब दिखता है, तब क्या करना। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर एक जिप फाइल मिल जाएगा जहाँ पर मेरा अपना होस्ट जो है, जो या फिर आप किसी पीसी का होस्ट, यहाँ पे चार फाइल होस्ट के नहीं, चारों को आप डिलीट कर दो, टैप करो डिलीट और डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप डिलीट कर दो। अब क्या करना है आपको, कोई ऐसे पीसी जिसको इसी कमांड पे जाना है, लोग दिस पीसी सी ड्राइव विंडोज, विंडोज 32 ड्राइव ETC के अंदर जहाँ होस्ट मिलता है, ये 4 से 5 फोल्ड फाइल जो मिलेंगे इसे दूसरे पीसी को कॉपी करके अपने पीसी में पेस्ट कर लेना है, चाहे आपके आसपास जो दूसरे लैपटॉप आपके या किसी फ्रेंड के सर्कल के हो ऑफिस को, वहाँ से कॉपी करें, या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरा भी मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा आप अपने आसपास वाले की कॉपी करो। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर जिप फाइल में कॉपी करना है, यही फोल्डर में आना है, इसे डिलीट कर देना है और इसे पेस्ट करना है, और आप एक बार हो सके तो रन पेज से जो एप्लीकेशन का जो मैंने रन बताया था, रन होस्ट को इसे रन कर ले और फिर से इसी पेज पे आए जहाँ पे मैंने बताया इस पेज पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, एंड होस्ट पर टैप कर, जैसे टैप करोगे आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने आप लोगों के लिए, हमने यहाँ पे अपना वो जो है होस्ट जो था उसको मैंने हटा दिया। देखो अब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, ये मेन फाइल है फिनो पेमेंट बैंक 111100। अब यहाँ पे देखो मैंने होस्ट जो है मैंने चेक करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने होस्ट में से फिनो को हटा दिया, मैं नोटपैड को खोल कर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं फिनो कहीं भी नहीं है। एंड हम जो साइट पर टेस्ट कर, देखो दिस साइट कांट बी रीचेबल, ये वही एरर मार रहा था जो इन भाई लोगों को मार रहा था, दिस साइट कांट बी रीचेबल। अभी से रिजॉल्व कैसे करें, तो देखिए पहले तो मैं ऑप्शन बताऊँ, पूरा होस्ट को 4 5 5 सबको डिलीट कर दो और नया डाल दो, ये पहला ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर आपको जिप फाइल मिल जाएगा, उसको खोलो या उसको कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। अभी लेकिन जो इशू यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल इशू है, यानी कि मैंने अभी वहाँ फिनो होस्ट नहीं, मैंने रन एडमिनिस्ट्रेटर किया हमारा, आप देख रहे हो वहाँ पर रीड हो गया होगा फिनो होस्ट, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से फाइल ओपन करता हूँ वही वाली होस्ट वाले, इसे नोटपैड पर ओपन करके दिखाऊँ मैं आपको, मैं कारण के साथ आपको आंसर बता रहा हूँ। देखो यहाँ फिनो का एक बन गया। अब हम अगर टेस्ट पेज उसी पोर्टल पर जाएंगे यहाँ पर, एंड इसे या तो रिफ्रेश कर लो या फिर से टैप करते हैं और इस वाले को चेक करते हैं। देखो दिस पेज इजंट वर्किंग मैंने मैंने ऑलरेडी हो चुका है, एंड टेस्ट वगैरह करोगे आपको कैप्चर डिवाइस वगैरह, तो आपको यहाँ पे डिवाइस कैप्चर भी होगा, आपके लाइट ब्लिंक करेंगे, सारी चीज़ शो करेगा आपका। तो यहाँ से हमारा होस्ट का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ से वो होस्ट फाइल उठाओ, जाओ वहाँ पे सारे डिलीट करो, उसे वहाँ पेस्ट कर दो, या फिर आपके दूसरे लैपटॉप जिसमें काम कर रहे हो उनकी कॉपी करो और जाओ वहाँ पे पेस्ट कर दो। आपका मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों का ये इशू आया था मैंने फिक्स किया था, यही दो ऑप्शन से मैंने फिक्स किया था। तो आप किसी आसपास किसी लैपटॉप उनके होस्ट कॉपी कर लो, ये 5 फाइल सर्वर प्रोटोकॉल नेटवर्क है ना, IM होस्ट करके SM और होस्ट, ये करो और होस्ट में इसे चेक करो, ओपन जरूर करके देख लेना यहाँ फिनो आपका यहाँ पे आया है या नहीं आया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ फिनो का ऑप्शन ये शो करना चाहिए, उसके बाद आपका फिनो पे चलेगा नहीं दौरा, ये सिर्फ फिनो पे ही नहीं, आपके CSC UTI आयुष्मान भारत ICIC सब पे चलेगा, सिर्फ आप फिनो सेटअप कर लोगे, बस आपका DZ पे नहीं काम करेगा, पे नियरबाई काम नहीं करेगा, वो सब कैसे काम करेगा उसकी जानकारी अगर आपको इशूज अभी प्रॉब्लम फिक्स स्टिल है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आपको पैड सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा जो आपके कोई भी इशू को सॉल्व कर देगा, और क्या वो पेड कॉस्ट है यानी प्राइस चेक कर लेना, आपको जरूरत पड़े तो अपने व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो लाइक करें, वीडियो कोई सुझाव रहा है आपकी प्रॉब्लम परेशानी अभी फिक्स नहीं हुआ है क्या, इस वाले कमेंट करें उसका रिप्लाई जरूर लूँगा, कोशिश करो पहले खुद से करने का, खुद से नहीं होती तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, पैड स्टूडेंट आपके लिए अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस पे, हमारे चैनल नए हो पहली बार आए हो ऐसे नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग ऑपरेटेड वीडियो डालने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर ले, मिलते हैं रोक नए फ्रेश धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक टेक्निकल साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।